हेलो फ्रेंड्स, सोनी बुटीक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। बनने के बाद ये बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ आने वाला है। फिटिंग की आपको 100% गारंटी देते हैं कि आप इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करेंगी, आपकी ब्लाउज की जो फिटिंग है वो परफेक्ट आएगी। तो चलिए इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना अस्तर कट करेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड करना है, चेस्ट का चौथा भाग लेना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन। चेस्ट 36 इंच है, लंबाई की साइड से हमें डबल फोल्ड कर लेंगे और नीचे की साइड से सीधा निशान लेंगे। अब यहाँ से लेना है लंबाई, तो ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो 13.5 इंच है, तो 14.5 इंच लेंगे। लंबाई आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आपको लंबा ब्लाउज पसंद है तो आप इसे 14 इंच पर भी रख सकती हैं। 36 इंच चेस्ट साइज़ के लिए 14 इंच लंबाई बेस्ट होती है। अब यहाँ पे हम अपना शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर देखिए डीप गले पे हम 5.5 इंच रखते हैं। गला डीप हो तो आप 5.5 इंच का शोल्डर हमारा परफेक्ट होता है, साइज़ कोई सा भी हो। आर्म होल भी रखेंगे 5.5 इंच पे और इस तरीके से निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेना है, चेस्ट 36 इंच है तो चौथा भाग लेंगे 9 इंच। कमर यहाँ पे देखिए 30 इंच है तो 30 का चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 1 इंच रखेंगे डॉट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन, और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधा कर लेंगे। सिलाई मार्जिन भी यहाँ से निशान सीधा कर लेंगे। अब आर्म होल की गुलाई लेनी है 1 इंच की दूरी से। सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और आर्म होल का नाप ले लेंगे। आर्म होल का नाप हमें 8 इंच चाहिए, तो ये हमारा 8 इंच पे फिक्स आ गया है। इस तरीके से हमें नाप लेना है। शोल्डर रखेंगे 3 इंच और पीछे का गला 10 इंच है तो 10.5 इंच लेंगे, और यहाँ से जो फैलाव है यहाँ पे 2.75 इंच का फैलाव देंगे। फ्रंट पीछे की साइड डोरी अटैच नहीं करना है तो फैलाव ज़्यादा नहीं देंगे, 2.75 इंच ही रखेंगे। अगर आप कोई डिज़ाइन वाला गला बना रही हैं या फिर इस पे डोरी अटैच करेंगी तो आप 3 इंच का फैलाव यहाँ पे ले सकती हैं। पीछे से डॉट पॉइंट लगाएंगे, तो डॉट पॉइंट रखाएंगे 10 इंच पर और आगे की साइड से 4.5 इंच की दूरी ले लेंगे। अब इस तरीके से निशान को सीधा कर लेंगे और 1 इंच जो बढ़ाया है यहाँ पर 0.5 इंच का डॉट ले लेंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। यहाँ पे देखिए शोल्डर को हम गले की साइड हल्का सा डाउन करेंगे, क्योंकि पीछे की साइड हमें डोरी अटैच नहीं करना है, तो थोड़ा सा हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे गले की साइड। अब ये हमारा निशान हो चुका है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, कटिंग के बाद हम आपको इसकी स्टिचिंग भी बताएंगे, तो वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप और भी साइज़ों की कटिंग देखना चाहती हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकती हैं। ये हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए क्या करना है, हमें 1 से 1.25 इंच के बराबर आगे की साइड से फोल्ड करना है, बढ़ा के लेना है। 1 इंच यहाँ से बढ़ा लेंगे, 1 इंच ही बढ़ाएंगे। अब यहाँ से अपना एक सीधा निशान लेके यहाँ पे कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे लेना है लोअर चेस्ट का नाप, तो लोअर चेस्ट यहाँ पे हमारा 36 इंच में 13.5 इंच से 14 इंच आता है। ब्लाउज़ की लंबाई हमारा 13.5 इंच है, तो यहाँ पे देखिए हम लोअर चेस्ट भी 13.5 इंच पे ही रखेंगे। इसको हमें कम नहीं करना है। अगर इसे आप कम करते हुए लेंगी तो आपका जो बेल्ट है वो ऊपर की साइड चढ़ के आएगा। इसकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से होगी सब कुछ बताएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आर्म होल का और शोल्डर का सेम नाप ले लेंगे जो हमने बैक पार्ट में लिया है। अब यहाँ पे अपना आगे की साइड हुकाई के लिए मार्जिन छोड़ लेंगे, जितना अपनी पट्टी में दबाते हैं 0.5 इंच के बराबर छोड़ लें और 3 इंच का शोल्डर ले लेंगे। आगे का गला 6 इंच ओपन होगा तो 6.5 इंच लेंगे और यहाँ से 2.75 इंच का फैलाव दे देंगे। अब इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और गले का शेप ले लेंगे। ये हमारा निशान हो गया है। आर्म होल को अंदर की साइड 0.5 इंच डाउन कर लेंगे और इस तरीके से निशान लेके 1 इंच की दूरी से गुलाई दे देंगे। पास से गुलाई देनी है, अगर ज़्यादा दूरी से गुलाई लेंगी तो आपके आर्म होल पे फुलान आएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 इंच चेस्ट का चौथा भाग लेंगे, 1 इंच रखेंगे डॉट का, सेम निशान नीचे की साइड भी 9 इंच पर लगाएंगे, 1 इंच डॉट का। अब इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे और सिलाई मार्जिन भी रख लेंगे। अब यहाँ पे अपना डॉट पॉइंट लगाएंगे, डॉट पॉइंट लगाएंगे हम यहाँ पे 11.5 इंच पे। 11 इंच तैयार होगा, 0.5 इंच ऊपर का सिलाई मार्जिन चला जाएगा जब हम अपना शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। आगे की साइड से 3.5 इंच की दूरी रखेंगे,
और इस निशान को सीधा कर लेंगे। दूसरा डॉट लगाएंगे डेढ़ इंच की दूरी से और सामने वाला डॉट भी डेढ़ इंच की दूरी से लगाएंगे। आर्म होल वाला डॉट 2.75 इंच की दूरी से लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये हमारा निशान हो गया है। तीनों डॉट पे आधा आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे जो हमने बढ़ा के लिया है। एक एक इंच का हम तीनों डॉट पे मार्जिन लेंगे और इन निशानों को भी यहाँ से तिरछा मिला लेंगे। अब नीचे का डॉट लगाएंगे तो कमर का चौथा भाग लेंगे। कमर का चौथा भाग है 7.5 इंच और जो भी हमारा एक्स्ट्रा आता है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच का यहाँ पे डॉट ले लेंगे, 1.25 इंच का दोनों साइड से डॉट दे देंगे और यहाँ से इसको तिरछा मिला लेंगे। अब आधा इंच अपना क्रॉस बेल्ट के लिए ऊपर की से काइट कटिंग करेंगे तो यहाँ से आधा इंच ऊपर की साइड निशान लगा के डॉट से मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी तैयार हो गया है, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग जब आप इस तरीके से करेंगी, आपकी जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो बहुत ही परफेक्ट आएगी। बेल्ट जो आपका ऊपर की साइड चढ़ के आने लगता है, ब्लाउज छोटा हो जाता है, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। बेल्ट ब्लाउज आपने बहुत सारा बनाया होगा, लेकिन आप इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा, फिटिंग आपको 100% आएगी। और बहुत ही आसान तरीका है आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग का, तो प्लीज़ वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और इसे एक बार बना के देखिएगा। अगर आपको आपकी ब्लाउज़ की जो फिटिंग है वो परफेक्ट आए तो ही आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इतनी आपको मैं गारंटी दे रही हूँ। अब यहाँ से देखिए बाजू की कटिंग करेंगे तो बाजू हमारा छोटा ही तैयार करना है, तो हम इसको 20 सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा हमारा जो है अस्तर का वो 75 सेंटीमीटर का ही है, तो थोड़ा सा हम इसको 20 सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करके बाजू की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से कपड़े को हमें 4 राउंड में फोल्ड करना है और अपनी बाजू की लंबाई ले लेना है। तो यहाँ से देखिए बाजू की जो लंबाई है वो 4.5 इंच है, तो ये हमारा लगभग 5.5 इंच के बराबर आ रहा है, तो हम इतना ही रख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो आर्महोल डाउन करना है वो करेंगे हम 3.5 इंच। आर्महोल हमें 3.5 इंच पे ही डाउन करना है। बाजू की लंबाई जो भी आप ले रही हैं, आपको आर्महोल 3.5 इंच ही डाउन करना है। ऊपर की साइड से 8 इंच रखेंगे, जो ब्लाउज में गुलाई आई है आर्महोल में उसमें 8 इंच है, तो 8 इंच बाजू के लिए भी रखेंगे। आगे की गुलाई ले लेंगे 6 इंच और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए यहाँ से मिला लेंगे। अब आधा इंच अंदर और आधा इंच बाहर की साइड लेते हुए गुलाई दे देंगे। गुलाई थोड़ा सा अच्छे से लेंगे, चौक से अच्छे से नहीं आता है, जब हम इसको कट करेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से गोल शेप में इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 पार्ट को ओपन करेंगे और इसकी गहराई को भी कट कर लेंगे। तो गहराई की भी कटिंग थोड़ा अच्छे से लेंगे, जो हमने निशान लगाया है वहाँ से नहीं लेना है। चौक से निशान थोड़ा सा अच्छे से नहीं लग पाता है, तो इस तरीके से जब कटिंग करेंगे तो थोड़ा सा इसको अच्छे से कट कर लेंगे। ये हमारा बाजू भी यहाँ पर कट हो गया है। थोड़ा सा अच्छे से गुलाई लेते हुए आप कटिंग कर लें, इसमें थोड़ा सा हमने सही तरीके से नहीं बता पाए हैं। अब यहाँ पे अपना बेल्ट कट करेंगे, आगे की साइड से एक सीधा निशान ले लेंगे और यहाँ पे हुकाई के लिए मार्जिन छोड़ लेंगे। अब यहाँ से हमें कमर का चौथा भाग लेना है, तो कमर 30 इंच है, तो 30 का चौथा भाग 7.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो जितना आपने सिलाई मार्जिन लिया है उतना आप यहाँ पर सिलाई मार्जिन रख लेंगी। अब नीचे की साइड से एक सीधा निशान लेके कपड़े को नीचे से भी हम बराबर से ले लेंगे, सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आगे की साइड रखेंगे 3 इंच और पीछे की साइड लेंगे 2.5 इंच। यहाँ से 2.5 इंच लेना है और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए तिरछा ले लेंगे। इस तरीके से ये हमारा बेल्ट का निशान हो गया, इसको भी हम कट कर लेंगे। दूसरे बेल्ट पे हम यहाँ पे सेट करेंगे अलग फैब्रिक पे और यहाँ से दूसरा बेल्ट भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो उल्टी साइड से सेट करेंगे ताकि दोनों साइड का हमारा बेल्ट यहाँ पे आ जाए, इसको भी हम कट कर लेंगे।
तो ये हमारा दोनों साइड का बेल्ट कट हो गया है। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे ताकि ये हमारा ऊपर की साइड अटैच होगा। इस तरीके से हम दोनों साइड में निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम अपना अस्तर कट करेंगे, मेन फैब्रिक कट करेंगे। मेन फैब्रिक को हमें डबल फोल्ड में इस तरीके से सेट करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है साइड से। कपड़ा थोड़ा सा सिल्की है, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे ताकि हम जब स्टिच करें तो सही तरीके से आ जाए। और इसको यहाँ पे रफली कट कर लेंगे। ऐसे ही हम सभी पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये हमने पूरी कटिंग कर लिया है। चलिए इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं।